करीमनगर प्रिंसिपल मुंसिफ जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट देसाई सुधा ने थ्री टाउन पुलिस स्टेशन के SHO को साबिक IPS ऑफिसर RS प्रवीण कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी। बताया जाता है कि चंद साल कबल प्रवीण कुमार और एक टीचर शंकर ने पैदावाली जिले के जोलापली मंडल के गांव वडोकापुर के एक वेलफेयर स्कूल के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन दोनों ने स्कूल के बच्चों को अहद दिलाया कि वो हिंदू देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। 16 मार्च 2021 को करीमनगर के एक शख्स महेंद्र रेड्डी ने मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि ये हरकत हिंदू अकायद के खिलाफ है। 18 मार्च को अदम कार्रवाई पर करीमनगर पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बावजूद कार्रवाई ना करने पर उन्होंने एक दरख्वास्त 22 मार्च को एडवोकेट गंगाधर के जरिए प्रिंसिपल मुंसिफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अदालत में दायर की थी। केस के शवाहिद और पसे मंजर की जांच पड़ताल के बाद मौजूदा जज साई सुधा ने प्रवीण कुमार और टीचर शंकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी। वाजरे के 3 दिन कबल ही प्रवीण कुमार के VRS की दरख्वास्त को हुकूमत ने मंजूरी दी। उन पर स्कूलों में ईसाई मजहब की तबलीग का इल्जाम आयद किया गया था।